तो जब अखिलेश यादव की सरकार थी, अच्छा, तो माननीय अखिलेश यादव ने कहा ये जो चौराहे चौराहे 100 नंबर खड़ी है ये हमारी देन है। हाँ। बाबा योगी भी गुस्से में आ गए, कहे तो फिर देखा अखिलेश भाई ये जो चौराहे चौराहे खेत खेत सांड खड़े हैं ये सब हमारी देन है। पब्लिक भरम में आ गई कि कौन देन ज्यादा बड़ी है। जब तक ये समझते तब तक बाबा दूसरी बार आ गए। हमने कहा देखो अखिलेश भाई, वो कल के अर्जुन थे जो गांडीव चलाते थे, ये आज के अर्जुन हैं जो बुलडोजर चलाना चाह रहे हैं, इन्हें पूरा चलाने दीजिए। एक दिन हमारे द्वारे से जेसीबी जा रहा था, हमारी पत्नी ने कहा कहाँ हैं, ऐसे लग रहा है कि कोई गलती हो गई, जेसीबी इधर खड़ा है। हम कहे नहीं नहीं पागल, जेसीबी सिर्फ मकान ही नहीं गिराता, ये खोदता भी तो है। हमने कहा कहीं खोदने जा रहा होगा बेचारा। हम कहे जाने दो, तो वो कह रही थी मुझे डर है कि इधर ना खुदाई करना शुरू कर दे। हम कहे घबराओ मत, हम लोग बाबा के ही आदमी हैं। अच्छा, कहे कैसे? खेतों में इतने सांड हो गए कि लील गाय के बच्चे पूछने लगे अम्मा ये सब कौन है, ये तो पहले ना ही रहे। तो वो कहती है धीरे से बोलिए, ये सब बाबा के आदमी। जब सांड बाबा के आदमी हो सकते हैं, हम लोग तो आदमी ही है। मौसम है आज काना, है बाएं हाथ थाना। अच्छा, ये घर जो इधर बना है इस पे मेरा मालिकाना। हाँ। इस पे मेरा मालिकाना, हाथ गोड़ काट ले ससुर, हाथ गोड़ काट ले, एकदम यहाँ मत आना। मौसम है आज काना, अब औरत मारे ताना। हाँ। हमका न देखाना, गजब का है जमाना, गजब का है जमाना, हम चला जाब जेल कुछ न कह पाए थाना। इसीलिए कहा कि जो है अब हर जिले को पौड़ी गढ़वाल बना देंगे, बुलडोजरों से अपनी भौकाल बना देंगे। भौकाल चलते हैं अपनी जुल्फे हम ढक के, इसलिए बाबा का क्या भरोसा कब बाल बना देंगे। बाबा का क्या भरोसा कब बाल बना देंगे। किताबें बहुत सी पढ़ी होंगी तुमने, मगर कोई चेहरा क्या तुमने पढ़ा है? हमने कहा जिस लड़की ने तेरा चेहरा पढ़ा है, जिस लड़के ने तेरा चेहरा पढ़ा है, जरा उससे पूछो कब वो आगे बढ़ा है। हम जब से सिमट के आपकी बाहों में आ गए, लाखों पुलिस दरोगा मेरी राहों में आ गए। अब हमने तो छुप के प्यार किया तुमसे था, मगर कैसे तेरे पिता की निगाहों में आ गए। मीटिंग जो तय हुई थी वो अटेंड हो गई, जो चाहती थी इनको अनफ्रेंड हो गई। उसने कहा था आप अपनी फोटो भेजिए, गलती से पिता वाली इनसे सेंड हो गई। हमारी पत्नी ने कहा मैं मेला देखने जा रही हूँ, दधकांदो मेला। मेला देखने जा रही हूँ। हम कहे ठीक है जाइए, लेकिन हमको भी साथ लेते चलो। बोली जही सहेली के साथ जाऊंगी, उस सहेली के साथ जा रही है, मैं अकेला हूँ इसलिए मैं 4 पंक्तियाँ सुना के अपना काम बना रहा। स्वागत। हमने कहा ये ठेले पर सजा सब सेब केला कौन देखेगा, हमारे बिन तुम्हें बोलो अकेला कौन देखेगा। जो इतना सज सवर के मेले में जाओगी तुम जानम, तुम्हें मेले में सब देखेंगे, मेला कौन देखेगा। एक बार हमारे पिताजी भी बैंक में 3 घंटा सो गए, तो मैनेजर ने कहा चाचा क्यों सो रहे हो यहाँ, बैंक बंद हो गया जाओ घर। कहे 3 घंटे बाद मैं उठा, मुझे अभी तक लोन नहीं मिला, यहाँ सामने लिखा है यहाँ सोने पर लोन मिलता है, और 3 घंटे से सोया हूँ मुझे कुछ भी नहीं मिला साहब। अरे कहे इस वाले सोने पर नहीं गोल्ड की बात हो रही है। कहे अच्छा अच्छा सर, अब दोबारा यहाँ नहीं सोऊंगा। तो कभी ऐसे हालात हो जाते हैं। अब जब टीटी आया मेरे पास तो उसने कहा टिकट, हमने कहा आप तो आ गए एकदम निकट, आप तो आ गए एकदम निकट। अब मैं ऐसे ऐसे करने लगा, धनंजय भाई ऐसे ऐसे बोले अच्छा अच्छा आप लोग ये वाले हो क्या। मैंने कहा हाँ हाँ, आप लोग कैसे पहचान गए, आप लोग भी पहले थे क्या। टीटी भाग गया, धनंजय भाई से कहा धनंजय भाई ऊपर बैठा जा, सीट नहीं खाली है। ऊपर बैठ गए,
नीचे जो सुंदर महिलाएं बैठी थी। अच्छा, एक 40 वर्ष की, एक 30 वर्ष की। 30 वर्ष वाली ने 40 वर्ष वाली ने से कहा, बहन जी आपकी उम्र क्या होगी? बोली कोई ज्यादा नहीं, यही कोई जो है 24-25 साल। 24-25 साल। 40 वर्ष वाली ने 30 वर्ष वाली से कहा, तो बहन जी आपकी उम्र क्या होगी? कहा कोई ज्यादा नहीं, यही कोई 18-19 साल। तो इतने में धनंजय भाई देख रहे तो गिर गए उनके गोद में। तो बोले ये कौन है? हम कहे ये अभी अभी पैदा हो, आप इनको निप्पल से दूध पिलाइए, नहीं तो ये कुपोषण का शिकार हो जाएगा और इसी ट्रेन के डिब्बे में चीख और पुकार हो जाएगा। लड़की सामने बैठी, कहने लगी आप लोग बेटिकट हैं, आगे 3 स्टेशन के बाद पकड़ उठेंगे। हमने कहा बहन जी आप मुझ पर भरोसा रखिए, नुस्खे कई हैं। टीटी आया, मैं पूरी सीट पे पाल ओल खोल के चूड़ीदार पैजामे में दुपट्टा पट्टा उलझा के एकदम पेट कुइया लेट गया। पेट कुइया उल्टा। टीटी ने मुझे पीछे से देखा, मंत्रमुग्ध हो गया, बोला बाप रे बाप इतनी सुंदर कन्या, थकी मादी टिकट ही होगी तभी चांग फैला के सो रहे। 5 मिनट बाद पूछा धनंजय भाई टीटी गया? टीटी ने कहा कहाँ जाएंगे मेरी जान, उठो तो कुछ बातचीत हो जाए। उठे, हमारी मुँछे देख कर बोला अरे आप तो लड़के हो। हम कहे लड़के हैं तो क्या हुआ, हमसे जो भी हो पड़ेगा मैं आपके साथ करूँगा, पर मैं उतना नहीं कर पाऊंगा जितना आप सोच के यहाँ बैठे हो। मेरी भी कोई सीमा है, मैं पुरुष हूँ, कोई औरत के नाम जीवन बीमा है। एक श्रोता मेरे पे फिदा हो गए हैं, न जाने कितने लोग इसी चक्कर में विदा हो गए। अब की आगे बढ़े 2 स्टेशन बाद टीटी बैच बन के आई। मैं जब टीटी 2 कदम बचा उसके कदमों में लेट गया। मैंने कहा जीजा प्रणाम। बोला जीजा? हमने कहा न पासपोर्ट न टिकट न वीजा, मरने से अच्छा जीजा। अब आखिरी में विदा लेते हुए सियाराम भैया, अगर एक तरफा प्यार होता है तो लड़का चौतरफा पीट दिया जाता है। देखे कैसे? ऊपर गोरी का मकान, एक प्यार का नगमा है, जिंदगी भर का सदमा है, तू प्यार न कर मुझसे मेरे सर 10 मुकदमा है। और अंत में कहती हूँ भाई, मिठाई वाले पाल जी आ गए, मैं प्रणाम करता हूँ। पाल पोस कर आपकी अम्मा ने इतना बड़ा किया। अंत में